सो हेलो फ्रेंड्स, फिर सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कैसे करोगे। फ्रेंड्स, गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कैसे करना है इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल में गूगल ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे सर्च हिस्ट्री है इसे आपको डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले बैक आना है और आपको यहाँ पे गूगल प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे फ्रेंड, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको एरो वाले बटन में क्लिक करना है और जितने भी जीमेल आईडी आपका लॉगिन किया हुआ है सारा जीमेल आईडी यहाँ पर शो करेगा। आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है कि जीमेल आईडी का आपको गूगल हिस्ट्री डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर्च हिस्ट्री। आपको सिंपली इस सर्च हिस्ट्री वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड आपके सामने इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे आपको सर्च हिस्ट्री देखने को मिल जाता है और इसे डिलीट करने के लिए आपको रिमूव वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप डिलीट कर सकते हो। और फ्रेंड यहाँ पे ऑटो डिलीट का एक ऑप्शन है जो कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स 3 मंथ का मैंने सेव करके रखा है, आप चाहो तो कुछ अलग भी सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दिखेगा 3 मंथ का मैंने सेव करके रखा है, और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन देगा जैसे कि 18 मंथ और 36 मंथ इस टाइप का, तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक डिलीट होता है। नीचे आपको नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड अगर आप ऑल सर्च हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ही क्लिक में करना चाहते हो, सिंपली आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस डिलीट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड आपके सामने पॉपअप आएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो डिलीट ऑल टाइम, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा डिलीट ऑल टाइम, सिंपली आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप इमेज को डिलीट करना चाहते हो या फिर सर्च को डिलीट करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। आपको भी दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे नीचे एक नेक्स्ट का बटन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको इस नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करोगे तो फ्रेंड आपके सामने इस तरह से थोड़ी देर प्रोसेस लेगा और इस तरह से एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको प्रीव्यू दिखाता है कि जो भी आपका सर्च हिस्ट्री है यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड नीचे आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिखता है, सिंपली आपको इस डिलीट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप इस डिलीट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो डिलीशन कम्प्लीट, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने जो भी सर्च हिस्ट्री डिलीट किया वो कम्प्लीट हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हो डिलीशन कम्प्लीट हो गया। और फ्रेंड चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है, पूरा पूरी आपको यहाँ से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, जो भी गूगल ऐप है इसे आपको एक बार हटा देना है और फिर से आप गूगल ऐप को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप जैसे ही सर्च हिस्ट्री पर जाओगे सर्च वाले ऑप्शन पे तो देखोगे फ्रेंड यहाँ पे जो भी आपने सर्च किया था वो कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी सर्च हिस्ट्री नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे आप गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट करोगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।